हेलो गाइस, तो मैं अभी बैठा हूँ, आपने जो देखा होगा अभी, मैं अभी जा रहा हूँ शेगांव। मेरी मम्मी के साथ मैं आज अकोला आया था। मम्मी को थोड़ा टेस्ट करना था, थोड़ा तबीयत ख़राब थी मम्मी की, तो इसलिए थोड़ा चेकअप के लिए आया था अकोला। तो अभी अभी लगभग टाइम हो चुका है, 5:11 बज चुके हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी गवर्नमेंट की MSRTC की शिवशाही नाम की बस है, उन्हें बहुत फेमस बस है। नॉर्मल ST बस जो रहती है उससे ज़्यादा इसका फेयर रहता है, और ये जो रहते ट्रैवल्स जैसी अवेलेबल सुविधा इसके अंदर दी हुई है। उसके सीट वगैरह भी अच्छे हैं, कुशन लगाए हुए सीट को, और इसके अंदर AC भी है। देखो ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो अभी ठंडी हवा रही है AC से। यानी बाकी जो MSRTC की जो बस ST बसेस रहती है उसके मुकाबले इसका फेयर थोड़ा ज़्यादा है। और ये बाकी अभी अकोला टू डायरेक्ट शेगांव जाने वाली है। बाकी जो बस रहती है MSRTC वाली, तो वो बीच में जो गांव आते हैं उसको रुक रुक के जाती है, लेकिन ये बस ऐसी है कि वो डायरेक्ट अकोला टू शेगांव जा रही है। और इसके अंदर टाइम वगैरह दिखा रहा है, AC का 28 डिग्री AC का टेम्परेचर है, टाइम दिखा रहा है, और एकदम फास्ट जाती है, यानी बीच में रुकने का काम नहीं। तो लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग यहाँ पे जब आते हैं ना, तो नॉर्मल बात है यहाँ पे टिकट ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है ना उसको बराबर अवेलेबल है जो ना उसका यूज़ वगैरह नहीं करते। देखो अभी नई है, लेकिन ये उसका जो ऊपर का जो ये था प्लास्टिक था, अगर घर की गाड़ी रहती तो लोग कोई फाड़ता कैसा नहीं फाड़ता, लेकिन ये गवर्नमेंट की, इसलिए इसका ऊपर का नो प्रॉब्लम, इसको फाड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको फाड़ दिया है। तो ऐसी यानी सब लोगों ने इस बात का अगर ख्याल रखा जाए, अगर गवर्नमेंट की बसेस, तो अगर खुद के घर जैसी अगर इसको इस्तेमाल किया तो नॉर्मल बात है ये अच्छी ज़्यादा दिन तक टिकेगी, क्योंकि गाड़ी अच्छी रही। इसका अगर गवर्नमेंट को इस शिवशाही गाड़ी से अगर अच्छा प्रॉफिट मिला, तो गवर्नमेंट इसके अंदर भी अपग्रेड कर सकती है और लोगों के लिए अच्छा। आधार कार्ड दे। जय विष्णु।
इसके ऊपर देते हैं। से एक्शन उठ के यार, ठीक है।